ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दिस इज एवलियन एनवायरनमेंट, ओके तो एलियन एनवायरनमेंट में फर्स्ट की एवलियन एनवायरनमेंट जनरली कहाँ पे दिखाया जाता है इन द एरिड रीजन एंड इन द सेमी एरिड रीजन ओके, एरिड व्हाट इज एरिड रीजन एरिड रीजन्स आर दोज आर लेस रेनफॉल हियर ओके दिस इज अरिड रीजन व रेनफॉल इज वेरी लेस एंड दिज आर द एरियाज ऑफ एरिमी एरी रीजन एंड फॉर इंडिया दिस इज द क्लासिफिकेशन ओके तो बेसिकली हमें कहाँ कहाँ पर यह लैंडफॉम देखने को मिलेंगे बेसिकली हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे ओके एरिड रीजन में और सम कुछ कुछ मिलेंगे जो कि सेमी एरिडी रीजन में भी मिलेंगे जो कि सेमी आरी डिजन पर कौन कौन से मिलेंगे जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे ह्यूमिड और वाटर प्लस एवलियन एक्टिविटी ठीक है तो बेसिकली आरी डिजन में ही हम लोग लो ये सब पढ़ रहे हैं तो आरी डिजन मेनली हमें क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे जितने भी सारे एवलियन लैंडफॉर्म पढ़ेंगे वो बेसिकली कहाँ पे होता है डेजर्ट पे होता है ठीक है तो यहाँ पे बस कुछ कुछ पॉइंट्स आपको डाल दिया हूँ यहाँ पे को समझने को है नहीं इधर ये पता ही है सबको तो ये बस है कि सैन डेजट कहाँ कहाँ सॉरी डेजट कैसे कैसे फॉर्म होते हैं ठीक है तो ऑल आर नो अबाउट मतलब सबको पता है ना एपी हरमल के बारे में एपी हरमल रिवर एपी हरमल रिवर सर दोस्त विच आर ओनली फ्लो इन द फ्लो बाय द रेनफॉल ओके जब रेनफॉल होगा तभी जो रिवर फ्लो होंगे उनको भी बस हम लोग बोल रहे हैं एपी हर्मल रिवर एंड जो सब हमेशा जो फ्लो होते हैं उसको बोलते हैं हम पेरेनियल पेरेनियल एंड एपी हर्मल ओके okay? ओके okay. अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजेस तो थ्री एक्चुअली थ्री लैंड फॉर्म्स आर देयर देयर लैंड फॉर्म्स दे आर लार्ज लैंडफॉम्स फर्स्ट इज ऑर्ग्स रेग्स एंड हमारा ठीक है तो अर्ग्स में क्या होता है कि बिल्कुल जो सैंड हम लोग देख रहे हैं दुबई वगैरह में जो हम लोग सैंड वगैरह देखते हैं मतलब फोटो में तो वो सेंड सैंड सी और जो तो पूरा सैंड का जो भरा रहता है ब्लैंकेट्स ओके तो इसको हम बोलते हैं अर्ग ठीक है और जहाँ पे आपका मिक्सचर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल आ जा रहा है उसको हम बोलते हैं रेक्स एंड प्लेट्यूज आर नोन एज हेमाडस ओके ऑल्सो और यहाँ पे क्या क्या है एक है ओएसिस व्हाट इज ओएसिस द वेजिटेशन कवर इन द डेजर्ट इज योर इज नोन एज योर ओएसिस ठीक है एंड योर वाडी वाडी हो गया कि आपको अगर रेनफ्लो हुआ या फिर कोई रिवर अगर अगर रेनफ्लो हुआ ये जो ए पी हरमल रिवर ये वह चैनल है तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इस गलीज में या फिर चैनल चैनल्स में पानी रहता है ये छोटे छोटे इसको ये वाले स्ट्रीम को हम बोल रहे हैं वाड़ी ओके एंड जो लेक टाइप फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं सबखा ठीक है ये सब जनरल तो बस टर्मिनोलॉजी से कुछ देन इज लैंड लैंडफॉर्म्स ठीक है तो हम लोग पढ़े थे इसमें तीन चीज़ें पढ़े थे रिवर में रिवर के केस में फर्स्ट इज योर हाइड्रोलिक एक्शन एब्रजन एट्रिशन। यहाँ पे भी सेम ही है एब्रोजन एट्रिशन सेम ही है ठीक है बस डिफ्लेशन में फर्क है ठीक है यहाँ पे वहाँ पे था हाइड्रोलिक एक्शन विच इज ओनली द एक्शन ऑफ द रिवर हिट इज द डिफ्लेशन डिफ्लेशन इज ओनली द Action of the wind, wind uh, by the wind action only the small particles or so the loose particles are, are drifted away or blown away and the large particles remains that is known as your deflation. ठीक है कि बड़े वो छोटे साथ में रहेंगे, छोटे निकल जाएंगे और बस बड़े ही बच जाएंगे। इसको हम बोलेंगे deflation। ठीक है? अच्छा

तो दो बॉडी के अंदर होते ओके एनी वन ऑन और कोई ट्राई करेगा प्रीत यस, बस दैट्स द आंसर आ ब्रदर ओनली पार्टिकल्स एंड द बेड इज योर एब्रजन एट्रेसन इज बिट्वीन द पार्टिकलर पार्टिकल को कोलिजन ओके okay. चलो गुड अच्छा अभी विंड इरोजन डिपेंड्स ऑन ठीक है विंड इरोजन कब इरोजन मैक्सिमम होगा कब इरोजन मिनिमम होगा ठीक है एक तो विंड का इरोजन का कैपेसिटी अगर हम लेके चलें तो कैपेसिटी तो ऑब्वियसली लो है क्यों लो है और सबसे ज़्यादा किसका होगा वाटर का जैसे कि हमें रिवर एंड योर सी इन दोनों का ही मैक्सिमम होता है और विंड का उतना नहीं रहता है क्योंकि उसका जो डेंसिटी है और uh, डेंसिटी उतना नहीं रहता ना तो विंड का एक तो इरोजन कैपेसिटी उतना नहीं है फिर भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अफेक्ट uh, करते हैं विंड का इरोजन को ठीक है यहाँ पे मैं कुछ लिखा नहीं यहाँ पे क्योंकि एक बार आप लोग समझ लेंगे तो हो ही जाएगा फर्स्ट विंड स्पीड ऑबियसली वन द विंड स्पीड इंक्रीजेस योर इरोजन पावर इंक्रीजेस ठीक है एंड अबाउट द सर्फेस रफनेस अगर सरफेस प्लेन रहा तो क्या होगा रिवर का इरोजन क्या होगा इधर बना रहेगा और रिवर का इरोजन सॉरी रिवर का बोल रहा हूँ एयर एयर का इरोजन और विंड का इरोजन वेन वी मीन्स हम लोग जब पास में आएंगे ना बेड के तो इसका इरोजन कैपेसिटी कम होता रहेगा बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन कवर एंड द फ्रिक्शन ठीक है बट ड्यू टू द सर्फेस रफनेस जब सरफेस में थोड़ा रफनेस हो मतलब मतलब आड़े तेड़े कोई अगर सर्फेस uh, थोड़ा सा रफ हो मीन्स प्लेन नहीं हो तो क्या होगा विंड का जो स्पीड है वो टर्बुलेंस पकड़ लेगा ओके okay. ये सीधा फ्लो नहीं होगा फिर क्या होगा टर्बुलेंस हो जाएगा ये ओके एंड द टर्बुलेंस इंक्रीजेस योर विंड इरोजन ठीक है मीन्स सरफेस रफनेस इंक्रीजेस योर विंड इरोजन जितना रफ होगा उतना टर्बुलेंस बढ़ेगा विंड का एंड इरोजन भी बढ़ेगा इरोजन कैपेसिटी ओके व्हाट अबाउट वेजिटेशन अच्छा प्रज्वलिता आप बोलो वेजिटेशन का क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा रहे विंड्रोजन अगर वेजिटेशन ज़्यादा होगा तो बढ़ेगा या कमेगा यस व्हाई व्हाई सो ओके मीन्स इज द बाइंडिंग उसको बाइंड करके रखेगा सॉयल को ठीक है तो विंड इरोजन यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा ठीक है एंड द मॉइस्चर क्या करेगा मॉइस्चर क्या करेगा मॉइस्चर भी सेम ही है मॉइस्चर क्या करेगा अगर मान लो एक एरिया में बारिश हो गया या फिर मॉइस्चर रहा तो वह भी क्या करेगा जो लूज फ्रेगमेंट्स है उसको बाइंड करेगा ठीक है एंड द बाइंड अगर ज़्यादा बाइंड होगा तो इरोजन लेस होगा तो मॉइस्चर डिक्रीजेस द विंड इरोजन कैपेसिटी ठीक है एंड लास्ट इज द पार्टिकल कोहेजन ओबियसली हम लोग पढ़े थे जो साइंस के वाले ये जो कर्व में पढ़े थे हम लोग अगर कोहेजन ज़्यादा रहा तो ज्यादा पावर लगेंगे मीन्स कोहेसिव मटेरियल्स डिक्रीजेस द इरोज़न कैपेसिटी ओके चलो सो हियर इज द फर्स्ट फर्स्ट लैंड फॉर्म इनल लैंड फॉर्म तो डेजर्ट पेमेंट डेजर्ट पेमेंट बेसिकली क्यों होता है ड्यू टू द डिफ्लेशन डिफ्लेशन ऑफ दिफ्लेशन में क्या होता था कि लार्जर पार्टिकल्स रह जाते थे एंड द स्मॉल पार्टिकल्स और द लूज पार्टिकल्स इरोजन हो जाता था, था, था और लिफ्टेड हो जाते थे वो ठीक है तो लूज पार्टिकल्स निकल जा रहे हैं और इधर बस जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं और जो लार्जर पार्टिकल्स हैं उसका रिम, आ, रिमेंस रह जाता है यहाँ पे दिस इज नॉन नॉन आजियो डेजर्ट पेबमेंट ठीक है एक तो आपका ये लैंडफॉर्म एक पिक्चर याद रहना चाहिए एंड ये याद रहना चाहिए कि दिस इज ड्यू टू द डिफ्लेशन ठीक है ये दो दो चीज़ बस याद रखना है यहाँ पे अगेन अनदर इन अनदर लैंड फॉर्म ऑफ योर डिफ्लेशन क्या है डिफ्लेशन हेलोज ओके एंड योर डिफ्लेशन हेलोज आ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ओएसिस यहाँ पे देख लो जैसे कि जो लूज पार्टिकल थे यहाँ पे यहाँ पे जो पार्टिकल थे वो क्या हुए विंड इरोजन कर लिया ये ड्यू टू द डिफ्लेशन एंड दिस इज नियर टू अक्यूफर सो यहाँ पे पानी सीप आउट हो गया पानी निकल गया यहाँ पे और जब पानी निकल गया तो क्या हो गया द ट्रीज एंड द योर वेजिटेशन इंक्रीजेस योर हुई इज नोन एज योर ओएसिस ठीक है तो ओसिस डायरेक्टली रिलेटेड टू यू टू योर डिफ्लेशन हेलोस ठीक है ऑल्सो फॉर द डिफ्लेशन हेलोस एन एक्र इज मोस्ट नीडेड अगर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है फिर ठीक है अच्छा वेंटिफैक्ट्स ओके तो वेंटिफैक्ट्स भे, में क्या होता था वेंटिफैक्ट्स में देखो यहाँ पे तो इसको देख के बताओ आप कि ये वेंटिफैक्ट्स व्हिच इरोजनल टाइप इज हियर इट इज ड्यू टू द दिन और एट्रिशन और योर क्या था डिफ्लेशन एवरेजन बिकॉज इज इट इज अटैक द सरफेस ठीक है तो अच्छा अब क्या हो रहा है कि यहां पे देखो यहां पे फर्स्ट यहां पे अटैक करके इधर एवरेजन करके ये वाला सरफेस को पॉलिश किया ठीक है अगेन क्या हुआ ड्यू टू द डिरेक्शन इज चेंजेस ठीक है डिरेक्शन जब चेंज हुआ इसको इसका इसको वो रोटेट कर लेगा या फिर दूसरे दु, साइड में इरोजन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक एरिया पॉलिश है ठीक है यहाँ पे एक एरिया पॉलिश दिख रहा है बट अगर दो एरिया पॉलिश हो तो हम उसको क्या बोलेंगे एक एरिया को बोलेंगे एन कैंटर दो को बोलेंगे जुन कैंटर एंड तीन को बोलेंगे ड्रेन कैंटर ओके तो थ्री और मोर फेसेस अब अगर थ्री से अगर ज्यादा हो गया तो हम उस सारे को बोलेंगे ड्रेन कैंटर ठीक है ओके देन इज मशरूम रॉक अच्छा मशरूम मौ, रॉक में क्या होता है कि मशरूम रॉक में इज़ द हॉराजेंटल लेयरिंग, ठीक है हॉराजेंटल लेयरिंग बिटवीन द हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक ठीक है तो ओनली क्या होगा कि जो सॉफ्ट रॉक है वो निकल जाएंगे और दो तो ओ इरोजन होंगे बाय द एवराजन एंड रह जाएगा बस रिमेन्स द हार्ड रॉक ठीक है दिस इज नोन एज द मशरूम रॉक ठीक है देन योर यारडेंग अच्छा याडेंग में भी सेम होता है या, यारडेंग में भी क्या होता है कि इरोजनल पावर सॉरी जो सॉफ्ट रॉक इरोजन होते हैं और द हार्ड रॉक रिमेंस रह जाते हैं पर डिफरेंस बस यही है बिटवीन मशरूम रॉक एंड यारडंग मशरूम रॉक में क्या होता है देखो ऐसे स्टैक्ड हैं ऊपर को तथा हराजेंटल ठीक है बट हियर दे आर स्टैग बर्टिकली दिस इज योर हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक ठीक है दिस इज लेटरल एंड मशरूम रॉक में क्या था लौंगी चुनल थे और हॉराजेंटल एंड द वर्टिकल्स ठीक है अच्छा अब यहाँ पे कुछ कुछ रिजस फॉर्म होते रहते हैं देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रिजस फॉर्म होते रहते हैं एंड द रिजिस शोज ऑस द डिरेक्शन ऑफ द विंड ठीक है रिजिस आर पैरल टू द डिरेक्शन ऑफ द विंड सो एयरडेंग इज अम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ योर पैलियोकरेंट इंडिकेशन ठीक है पैलियोकरेंट के लिए हमें अगर पैलियोकरेंट को समझना है तो एयरडेंग इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ठीक है बिकॉज दे आर पैरल द रिजिस आर पैर टू इच टू द फ्लो डिरेक्शन ऑफ द विंड इसमें वर्टिकल बैंस और okay, यहाँ पे ऑरजेंटल बंट ओके एंड ज्योगन ज्योगेन में भी सेम ये लाइक योर एयरड बस यहाँ पे क्या होता है टेबल लैंड फॉर्म होते हैं इधर ठीक है यारड में ऐसे ऐसे फॉर्म होते रहते हैं रिजेस्ट लाइक स्ट्रक्चर एंड योर ज्योगेन इज योअर टेबुलर स्ट्रक्चर बस इतना ही डिफरेंस है ठीक है दिस ऑल्सो शोज शोज दैल्यो करेंट डिरेक्शन ओके ठीक है अच्छा देन इज योर मेसान बुट्टी और ब्यूट एंड The larger forms are known as plateau. After a certain erosion, this is known as mesa. And another is your erosion activity. This is known as butte. Okay? यहाँ पे बस कुछ-कुछ चीजें -कुछ याद रखना है कि एक तो ये क्या होगा क्या होगा table land platform। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आ, which of the following are the टेबल लैंड स्ट्रक्चर टेबल लैंड इरोजनल स्ट्रक्चर ऑफ द विंड और आ, हाँ, वही, ठीक है और यहाँ पे एक तो हो गया ये टेबल लैंड फॉर्म है और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि ये स्टीप साइडेड है देर वेरी स्टीप साइडेड ओके ओके देन योर इंसलबर्ग एंड योर पेडिमेंट तो हमने जब रिवर का पढ़ा था तो रिवर के इरोजन के ग्राफ पे हम लोग दिखे थे कि ग्राफ में जब प्लेन आ जाता है ठीक है जब प्लेन आ जाता है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है दो चीज़ें एक तो वो पेन प्लेन को बोलते हैं पेनी प्लेन एंड पेनी प्लेन के ऊपर जो जो स्ट्रक्चर सारे फॉर्म होते रहते हैं छोटा छोटा उसको हम बोल रहे हैं मोनार्ड नॉक ठीक है सेम चीज़ यहाँ पे है यहाँ पे जो प्लेन एरिया है यहां प्लेन एरिया को बोल रहे हैं हम पेडी प्लेन और पेडीमेंट योर हार्ड स्ट्रक्चर और द एलिवेटेड स्ट्रक्चर आर नोन एज इनसेल वर्क सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एरिड रीजन दीज आर दीज आर ऑफ ह्यूमिड रीजन ठीक है बस क्वेश्चन में वही आएगा वही देखना दे, दे पड़ेगा एक पूछेगा तो बस वही कि प्लेन को क्या बोलते हैं या फिर प्लेन में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं बस क्वेश्चन में यही रहेगा कि एरिड है या फिर ह्यूमिड है एरिड होगा तो प्लेन को बोलेंगे हम प्लेन और पेडीमेंट एंड स्ट्रक्चर को बोलेंगे लेंगे सेम चीज ह्यूमिड में पेनी प्लेन एंड मोनारॉक ठीक है ओके देन योर लास्ट स्ट्रक्चर इज योर स्टोन लैटिस ठीक है स्टोन लैटिस में वही चीज़ हो रहा है कि द लूज फ्रैगमेंट्स आर लिफ्टेड अवे एंड द हार्ड पार्टिक हार्ड आर रिमेन्स बट यहाँ पे आपको एक नया चीज यहाँ पे याद रखना है कि द स्टोन लैटिस दैटिस फॉर्म ड्यू टू हनी कॉम वेदरिंग देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेदरिंग सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर हनी कॉम्बोदरिंग हनी कॉम्बोदरिंग में वही होता है कि सॉफ्ट पार्टिकल्स निकल जाते हैं और बस हार्ड पार्टिकल हार्ड रिमेंस रह जाते हैं यहाँ पे ठीक है ओके सो यहां तक ही है